टेल मी, नियाजी खानदान से बिलोंग करती हैं राइट? तो जब लोग मिलते हैं तो पहला क्या इम्प्रेशन होता है लोगों का, या क्या रिएक्शन होता है? ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू अबाउट दीज थिंग्स. हाँ, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप इमरान खान की रिश्तेदार हैं. और आप असल में जो नियाजी कबीला है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है. आई थिंक लोग कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं. मेरी फैमिली इमरान खान को जानती है. मतलब मेरी फैमिली, मतलब मेरी जनरेशन नहीं शायद, बट मेरे अब्बा, मेरे चचा, मेरी दादी जब जिंदा थी तो मैं जब छोटी थी तो इमरान खान एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए हमारे घर आए थे. अच्छा. तो वो मेरे चचा ही वॉज अ कॉलमिस्ट, तो वो उनसे भी उनको मिलना था और तो आई वॉज देयर. तो मुझे, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे इतना कोई बहुत उस तरह से वो याद नहीं है. बट ये कि लोग जैसे ही वो नियाजी सुनते हैं, नियाजी लोग जो हैं वो नॉर्मली अपने नाम के साथ खान लगाते हैं. इमरान खान का भी खान है और सभी खान लगाते हैं, बट मेरा नियाजी ही है, आई डोंट नो व्हाई. और तो उससे लोग फ़ौरन पिक करते हैं कि अच्छा नियाजी और इस तरह. तो मैं मियांवाली से हूँ, पैदा तो मैं लाहौर में हुई थी, बट मेरे अब्बू जो हैं वो मियांवाली से ही हैं. ओके. सो कभी कभी ऐसा होता है जब लोग आते हैं और आपसे वो स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटिक्स की बात करना, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, एंड यू आर थिंकिंग लाइक यार जस्ट बिकॉज कि मैं नियाजी फैमिली से हूँ, मुझे सबके बिहाफ पे रिएक्शन या रिस्पांस देने की तो ज़रूरत नहीं है. कभी फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे दूसरे लोगों का एक्शन जो है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल कर लें या आपको बोलें कि नहीं, यू टेल अस वाई इज़ दिस हैपनिंग. अच्छा, पता है ये इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस तरह कुछ ट्रेट्स होते हैं ना कि लोग कहते हैं, हमारे यहाँ वैसे भी जो कास्ट सिस्टम है लोग उस पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं. अगर आप शेख हैं तो आप ऐसे होंगे, अगर आप नियाजी हैं तो आप ऐसे होंगे. तो वो उस हवाले से लोग ये कहते हैं कि जो नियाजी लोग हैं उनके पास जो ट्रेट्स हैं वो ये तो, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं. हालाँकि हर इंसान नहीं होता, कहीं कहीं वो चीज़ें होती हैं और उसके उस पर भी लोग वक्त के साथ ओवरकम कर लेते हैं और वैसे वो नहीं रहते. और जहाँ तक बात पॉलिटिक्स की है तो मैं उससे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होती क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट है. मैं बहुत ज़्यादा वो रखती हूँ. अब वैसे कम हो गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से, ये ड्रामास और दूसरी साइड की वजह से, और आप जो सिचुएशन हर वक्त चल रही होती है आप उससे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो इतना नहीं रहा. बट अभी भी है, मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है. मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ. तो अगर मुझसे कोई आके बात करे, और लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती बहस में, अगर मुझे ये लगे कि आपने अपना माइंड एक चीज़ के ऊपर बना लिया है और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप मुझसे बहस में उलझना चाह रहे हैं, तो मैं ये नहीं करती. ये मुझसे बिल्कुल नहीं होता. अगर बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक सिंपल, आप जो कह वही सही है और बात कर. अगर मुझे लगे कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, कि आपने आप कुछ जानना चाह रहे हैं, आप मुझे कुछ बताएंगे और मुझसे कुछ पूछेंगे और एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो फिर तो यू नो ज़रूर आप वो करें. मैं उस पर बिल्कुल अपनी ओपिनियन देती हूँ और मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ. और लेकिन वहीं पर जहाँ पर उसका फ़ायदा है. बिल्कुल बहस बराए बहस वाला मेरा मिजाज नहीं है और मैं कहती हूँ आप जीत जाएँ पहले ही और मैं हार गई. होता है लोग आके वो पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, कॉर्नर यू लाइक ये क्यों किया, किसी ने, उन्होंने ये क्यों किया, बिल्कुल ऐसे आपको स्पोक्स पर्सन समझते हैं. थोड़ा टफ होता होगा ना. टफ होता आप. अच्छा, तो ये होता होगा जब कोई आया तो आप स्टार्ट सोचती हूँ कि अच्छा चलो जी अब स्टार्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाएगा, रीसेंट पॉलिसी पे ऐसा क्यों है और ये एक्शन क्यों इस तरह से, ये जहन में चलना शुरू हो जाता है. चलो भाई सिद्धर, अपने आपको तैयार करो अब जवाब देने के लिए. अच्छा, वैसे आजकल तो मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर आप ये कोई आपके जहन में है कि मैं नियाजी हूँ तो मैं एक खास पार्टी या किसी को सपोर्ट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है. ये तो आउट ऑफ नेचुरल नहीं होना चाहिए. उस हाँ, मेरी बिलोंग करती हैं तो बिल्कुल तो यही होना चाहिए. हाँ. मेरी फैमिली यही कहती है. इससे मेरी फुप्पू हाँ. वगैरह जो हैं उनको ही बहुत होता है कि ये कोई यू नो इसमें क्या दो राय ही नहीं है कि आप जो है हाँ. वो नियाजी हैं और वो इमरान खान अगर हैं तो वो ही. बट मुझे ये लगता है कि वोट देना या किसी को सपोर्ट करना ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बहुत बड़ी चीज़ है. तो आपको सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा आपके कबीले से बिलोंग करता है या अगर आप सिंधी हैं तो आप इस पार्टी से हैं और पंजाबी हैं तो ये नहीं होना चाहिए. आप जिन लोगों के हाथ में अपने मुल्क की बागडोड़ सौंप रहे हैं आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो इस काबिल हैं या नहीं, कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. और आपको बेसिक नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए मुझे लगता है. और ये बहुत हमारे यहाँ इशू है कि हम ये जो एक अंधाधुंध लोगों के पीछे लग जाते हैं ना, और वो तो वैसे भी हमारी सोसाइटी का ओवरऑल इशू है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मसला है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं कि ये है और ये है, बीच का कुछ नहीं है जो कि एक अलग डिबेट है. बट हाँ, ये सो इमरान खान से फिर उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं, उसके बाद कभी नहीं. ओके. चलो, मैंने कहा शायद उसके बाद नहीं. मैंने एक शादी में उनको देखा था बट मैं उनसे मिली नहीं थी कि मैं मिली हूँ, बट एक जगह पर मैं थी और वो भी थे तो इस तरह से था. तो इसको मुलाकात नहीं कहेंगे. अभी जो आप बात करिए ना कि जस्ट बिकॉज आप नियाजी खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं तो वो एक ऑटोमेटिक लॉयल्टी लोग अज्यूम करते हैं. मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी मज़ाक रात, मुझे बड़ा मज़ा आया.
बड़ी आराम से उन जो आपको अपनी बात हमेशा आराम से ही करनी चाहिए, कोई उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड देयर, आई हैव टू से। और उसी पे मैं देखती, मैंने कहा यार माशाल्लाह से आप बड़ी, जैसे आपने भी बताया कि आप अवेयर होती हैं कि पॉलिटिक्स पे या क्या इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में, क्या हो रहा है, तो क्या ये आदत बनाई हुई आपने कि सुबह उठ के, हाउ डू, बिकॉज आई वाज रियली क्यूरियस, आई वांट टू नो कि कैसे मैनेज करते हैं, आई स्ट्रगल, आई वांट टू नो, यू नो, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं और यस वो हैं और आपको दुनिया के बारे में पता है और आप ग्लैमरस भी हैं और आप हर, बट मैं ऐसा नहीं है, मुझे अक्सर नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो आज एक मैं आपसे पूछूंगी कि यार आप कैसे, हाउ डू यू मेक श्योर सुबह उठ के, यू गो थ्रू न्यूज़ पेपर, कोई आदतें हैं, कोई हैबिट्स हैं जो डेवलप किए हैं दैट यू कैन शेयर विद अस? अच्छा, एक तो ये कि मैंने कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मास्टर्स किया था, तो मुझे थोड़ा सा तो रखना पड़ता था एक उसके लिए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात ये कि मैं बहुत ही अपने मिजाज में एक बहुत हसास सेंसिटिव इंसान हूँ, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, हमारी सोसाइटी में होने वाले मसाइल या जो भी चीज़ें, कोई इकॉनमी का मसला भी हो रहा है तो लोगों की सफरिंग और वो जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, या नो ना लोग, मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसिस किए हैं जहाँ पर रिलीजन की वजह से लोगों ने बहुत सफ़र किया, मैंने अपने यू नो एक फ़र्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस था, और भी इस तरह की चीज़ें जो मैंने बहुत करीब से देखी हैं, तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, मैं उनसे बहुत मुतासर होती हूँ, तो इसलिए मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। अगर कोई चीज़ हुई और फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आजकल लोग होते हैं कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें, कि आपने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा और आपने वो बात कहीं भी कोट कर दी बगैर रिसर्च किए और देखे कि ये बात सही है या नहीं है, और इस चीज़ का मार्जिन रखे कि आप गलत हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है वो यू नो पता नहीं सही हो या ना हो। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि कोई बात अगर मैं कोट कर रही हूँ या अगर कोई इशू मुझे उसमें इंटरेस्ट हो रहा है तो मैं उसके बारे में रिसर्च करूं, पढूं और दो तीन जगह से उसको वेरीफाई करूं कि वो बात सही है या नहीं है। तो आई थिंक ये एक नेचर होती है, हैबिट आप कह लें, ये कोई भी यू नो कोई भी इशू हो, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि हम तो ए पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते, हमारी सोसाइटी और जिस मुल्क में हम रहते हैं हमारे इतने इशूज़ हैं, इतने मसाइल और वो हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, क्या सही क्या गलत है। तो लेकिन मैं ओवरऑल भी जिस भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट होता है या जो भी चीज़ मुझे अफेक्ट करती है, मैं उसके बारे में उसकी डिटेल में जाती हूँ और मैं इकट्ठा करती हूँ मवाद जो भी उससे रिलेटेड मुझे चाहिए होता है, मेरी नेचर है मेरा ख्याल है। सो वो इशू बाय इशू जो आपके आसपास चल रहा है दैट गोज अराउंड दैट, हाँ उसके मुताबिक आप, हाँ उसके मुताबिक जो भी चीज़ हो। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, पीछे से बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करती हैं? बैकग्राउंड मेरे अब्बू जो हैं वो मियांवाली से थे और अम्मी लाहौर से थी, और मैं भी पैदा लाहौर में हुई हूँ और लाहौर में ही सारी मेरी एजुकेशन और सारा टाइम वहीं गुजरा। किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है आपने? माय मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट टू, तो मेरे अब्बा थे अकेले और उनके लिए जाहिर है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी मुझे रेस करना और वो सारा, तो वो लाहौर से ही सारा हुआ बेसिकली, बट वो काफ़ी डिफरेंट जगहों पर स्विच करते हुए। ये जो इतना इतना आप मूव कर रही थी, डिड इट इम्पैक्ट यू इन सम वे इन योर मदर्स लॉस? हाँ डेफिनेटली, हर इंसान के ऊपर उसका असर होता है, और बट आई थिंक कि आप जिस भी चीज़ से ज़िंदगी में गुजरते हैं फिर इवेंचुअली आप जो इंसान होते हैं वो उसी की वजह से होते हैं। तो आई थिंक कि मेरा चाइल्डहुड जो है वो इट वाज अ बिट अनयूजुअल, आम लोगों से डिफरेंट था वो, बट बहुत अप्स एंड डाउन्स और डिफरेंट चीज़ें उसमें हुई, बट आई थिंक कि जो मैं आज हूँ और जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत ही जिस तरह एक प्रॉपर होना और वो सारी चीज़ें, आई थिंक वो उसकी रीज़न है कि आप जो सब कुछ ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं उसकी वजह से आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, और तो मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठहराव भी आ गया, ठहराव आ गया बहुत ज़्यादा, आप चीज़ों को ईजी लेते हैं, लोगों को मार्जिन देते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, मार्जिन देते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते लाइफ में ओवरऑल, मेरा ख्याल है कि तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, जो आप होते हैं अगर एक नॉर्मल जो सिस्टम होता है उसके थ्रू अगर आपकी अपब्रिंगिंग हुई हुई और आप उसी सिस्टम से आ रहे हों तो आई थिंक शायद पता नहीं, आई डोंट नो कि आप एक नॉर्मल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जब
ग्रीफ या चैलेंजेस से आप बहुत पर्सनली गुजरते हैं, तो एक जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, एंड आई एम सो ग्लैड टू हेयर इट, बिकॉज बहुत से लोग उस तरफ चले जाते हैं ना, दिल सख्त बेटर हो हो जाता जाते है, दिल सख्त हो हैं. जाता है, बट आपका नहीं हो, विच इज़ वेरी अमेजिंग माशाल्लाह से.